बड़ी खबर आपको बता दें, तूफान रेमल अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है अब दस्तक देने वाला है, उसको लेकर अलर्ट भी कर दिया गया है। करीब 135 किलोमीटर की रफ्तार हो सकती है हवाओं की। उस वक्त कोलकाता एयरपोर्ट को 21 घंटे के लिए बंद किया गया है, 394 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। आज रात ही बंगाल तट से टकराएगा ये तूफान, कुछ घंटे का और इंतजार, हालांकि अलर्ट पर पहले ही रख दिया गया है। हालांकि खबर है कि बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाकों में पानी भरने की भी इससे आशंका है। ऋतिक मंडल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। ऋतिक, कुछ ही घंटों में ये तूफान तट से टकराने वाला है, किस तरीके की तैयारियां इस तूफान से निपटने की? जी बिल्कुल, देखिए आप बताया जा रहा है कि एक या फिर दो या तीन घंटे में जो ये चक्रवाती तूफान है उसका लैंडफॉल शुरू हो जाएगा। आज देर रात ये पश्चिम बंगाल के जो सागर आइलैंड है और बांग्लादेश के खेपूपारा के बीच इसका लैंडफॉल होगा और उसके चलते इसका कहर जो है वो देखा जाएगा पश्चिम बंगाल के जो सुंदरबन इलाका है या फिर जो तटीय इलाके है जहां से हम फिलहाल लाइव है, यानी ईस्ट मिदनापुर का दीघा जो सी लाइन है ये बिल्कुल खाली कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी इसका ये जो तूफान है उसका कहर ये यहाँ पर भी देखा जा सकता है। और अब जो है बूंदाबांदी शुरू हो गई है, एहतियातन कई सारे कदम उठाए गए हैं, एनडीआरएफ के कुल 12 जो टीम है वो तैनात किया गया है बंगाल में, और जो एहतियातन आई और आर्मी सिविल डिफेंस उसके साथ साथ एसडीआरएफ की टीम भी वो तैनात है। कोलकाता शहर वहां पर भी इसका जो है प्रभाव होगा, इसके चलते वहां पर कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। देखिए 14 टीमें वहां पर तैनात की गई हैं, सारे अलर्ट किए गए हैं, ग्राउंड पर हमारे सहयोगी भी हैं। पल पल के आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे।